दोस्तों स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बात करेंगे पाठ्यक्रम को लेके, क्योंकि कई बार अक्सर एक पूछा जाता है, भाई 15 नंबर याद रख लीजिए, 15 नंबर तो कंफर्म है कि पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा। कैसे सवाल पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, पाठ्यक्रम की प्रकृति, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, इसका उद्देश्य, इसकी आवश्यकता, अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत, याद रखिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, सिद्धांतों की व्याख्या, बहुत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप होने वाली है। हर एक ऑप्शनल, मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, हर एक पॉइंट्स के लिए, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वेरी शॉर्ट वीडियो इसमें खत्म करते हैं पाठ्यक्रम को लेके। आप सबको बता दें कि पाठ्यक्रम पहले होता क्या है। देखिए पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या है भाई, अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का रूपांतरण है, जो करिकुलम लैटिन के क्यूरेरे शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पथ, पथ या दौड़ का मैदान या दौड़ का पथ। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं और करिकुलम लैटिन शब्द के क्यूरेरे से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान या दौड़ का पथ। अतः पाठ्यक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसने बेहतरीन शब्दों में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। क्या होता है भाई पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम एक का मतलब दौड़ का मैदान होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का मतलब शिक्षा से संबंधित वह दौड़ का मार्ग, वह दौड़ का मैदान जिस पर चलकर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो पाठ्यक्रम हो गया भाई, शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। अब आइए पाठ्यक्रम की परिभाषा देखते हैं। तो पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कनिंघम ने क्या कहा था, कनिंघम ने कहा था कि जिस प्रकार एक कलाकार अपने साधन के माध्यम से, अपने औजारों के माध्यम से एक वस्तु की कला बनाता है अपने स्टूडियो में बैठ के, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक के हाथों में वह साधन है जिससे अपने छात्रों को विद्यालय में बैठ के अपने अनुसार ढालता है, अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है, अपने आदर्शों और व्यक्तित्व और विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करता है। तो कनिंघम ने कहा था बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन यहाँ पे कि पाठ्यक्रम क्या है भाई, पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में एक औजार यानी साधन की है, साधन के जैसे है जिससे वह वस्तु कौन है भाई, छात्रों को अपने कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार क्या करता है, ढालता है। तो ये हो गया पाठ्यक्रम की परिभाषा। अब आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिसमें क्या होता है भाई, पाठ्यक्रम के बहुत सारे निर्माण के सिद्धांत हो सकते हैं, विद्यार्थी केंद्रित, समुदाय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, विविधता केंद्रित, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिए, अक्सर केवल यही पूछ दिया जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लचीलेपन सिद्धांत की व्याख्या करिए, करेंगे इस वीडियो में करेंगे व्याख्या। एकाकीकरण तथा सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभव की समयता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सुरक्षा सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, जीवन के लिए तैयारी का सिद्धांत, सार्थकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, मानवीय मूल्यों के विकास का सिद्धांत, बुनियादी ज्ञान का सिद्धांत। तो याद रखिए हर किताबों में इतने सिद्धांत नहीं दिए जाएंगे, 10 सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 से 11 सिद्धांत जो भी आपके दिमाग में आए लिख दीजिएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य का इंपॉर्टेंट है, सार्थकता इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी केंद्रित, समुदाय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, विविधता, लचीलापन, एकाकीकरण ये इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक परीक्षण। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे कि व्यवसायिक सिद्धांत, खेल सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपके सामने रख दिया गया, इसमें से जितना याद आए आप लिख दीजिएगा। तो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत की व्याख्या करिए, लॉन्ग आंसर में पूछता है, तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम लिखना है, पाठ्यक्रम की अर्थ और परिभाषा लिखनी है, और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में इन बिंदुओं को अंकित करना है, और सबको एक्सप्लेन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर शॉर्ट आंसर में ये भी पूछ देता है कि विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत को व्याख्या करिए, पाठ्यक्रम निर्माण विद्यार्थी केंद्रित क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी केंद्रित का मतलब यह है कि जब आप कोई पाठ्यक्रम बनाते हैं तो विद्यार्थी को केंद्र मानकर, विद्यार्थी को प्रमुख मानकर और शिक्षक को पाठ्य वस्तुओं को गौड़ मानकर आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो जब आप विद्यार्थी को केंद्र मान के पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, वो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत होगा। और इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम करिकुलम छात्रों की रुचि, इंटरेस्ट, आवश्यकता, योग्यता, वृत्ति स्थितियों तथा उनके विकास स्तर के अनुकूल होना चाहिए। समझ में आ रही बात, आप जब पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी स्थिति, उनकी योग्यता के आधार पर जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो वो पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। तो इस सिद्धांत में क्या कहता है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में विद्यार्थी केंद्रित केंद्रीय पाठ्यक्रम का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिसमें छात्रों की आवश्यकता, योग्यता,
उनकी रुचि, उनकी स्थिति तथा उनके विकास स्तर के अनुकूलों का ध्यान रखा जाए। इसमें क्या होता है भाई, इसमें छात्रों को उचित विकास के लिए समृद्ध अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को क्या होना चाहिए भाई, समृद्ध अनुभव प्राप्त होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। दूसरे अर्थों में बच्चों को पाठ्यक्रम का केंद्रीय तत्व बनाना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम बच्चों के हिसाब से बनाइए, बच्चों को कैसा अच्छा लगेगा, बच्चों को कैसे मजा आएगा, बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों का कैसे ज्यादा से ज्यादा आप इसमें मन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बच्चों को आप प्रमुख मानेंगे, बच्चों को आप केंद्र मानेंगे, तो वह सिद्धांत पाठ्यक्रम क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक उसी प्रकार जब एक चीज़ समझ गए सारी चीज़ें समझ जाएंगी। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत आपसे ये कहता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिसमें क्रियाएं केंद्रित हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं सम्मिलित हों। कैसे, पाठ्यक्रम क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए जिसमें छात्र रुचि लेते हैं। ठीक है, इसमें खेल क्रिया, रचनात्मक क्रिया, प्रोजेक्ट क्रिया के लिए अवसर मिलने चाहिए। दूसरे शब्दों में काम के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। समझ में आ रही बातें, काम के द्वारा करके सीखने पर आधारित होना चाहिए, इसी को केंद्रित कहते हैं। तो आप विद्यार्थी केंद्रित और क्रिया केंद्रित समझ गए। अब आइए बात करते हैं विविधता केंद्रित। विविधता का मतलब आप संकीर्ण नहीं कर सकते, आप किसी पाठ्यक्रम को लिमिटेड नहीं कर सकते, उसमें विविधता रखिए, उसमें वैरायटी रखिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को रखिए ताकि बच्चों को ज़्यादा मजा आए, नई नई चीज़ें को सीखने को मिले। तो विविधता का मतलब होता है विविधता पाठ्यक्रम के विकास निर्माण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्या होता है भाई, पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होना चाहिए। मैंने कहा ना कि सीमित नहीं होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, क्योंकि संकीर्ण पाठ्यक्रम में व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का विकास नहीं किया जा सकता। इसीलिए भाई विविधता का सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक स्तर पर पाठकों की विभिन्न आवश्यकताओं रुचियों का ध्यान रखकर रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए भी स्थान हो। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या मतलब होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यह होता है कि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, किसी को हिंदी में इंटरेस्ट है, किसी को गणित में इंटरेस्ट है, तो आप पाठ्यक्रम ऐसा बनाइए जिसमें पूरी विविधता हो, व्यापकता हो। चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सही समझ में आ रही होंगी। अब एक और देख लेते हैं, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लचीलापन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इंग्लिश में बात करें तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि मान लीजिए हर एक बच्चे की आईक्यू एक जैसे नहीं होती, कोई इंटेलिजेंट है, कोई वेरी इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई डल है, मतलब कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, तो ऐसे बालक होने चाहिए। तो लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए, उसमें हर एक चीज शामिल हो। देखिए, पाठ्यक्रम लचीले होने चाहिए, प्रत्येक स्तर के बालकों की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, वही स्तर की बात होती है, मेंटल स्तर की बात होती है। ठीक है, होनी चाहिए यह यह समाज की परिवर्तन स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। समाज नहीं, समाज, वही तो रुक गया मैं। यह समाज की परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। इसमें शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा मनोविज्ञान का नवीनतम विकास के प्रतिबिंबित होना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। वही बात की, समाज के प्रत्येक बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए, समाज की परिवर्तन स्थितियों के कारण होना चाहिए। एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है, देखिए हिंदुस्तान में मौसम एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, तो आपने ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया कि सुबह 6 से आपको 2 बजे तक पढ़ना है, अब गर्म, अब भयंकर ठंडी पड़ गई, अब बच्चों को उसी समय बुला रहे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में, चेंजेस होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, हर एक चीज स्तर सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये चार आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप स्वयं से बना सकते हैं एकाकीकरण, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चों के अंदर विभेद ना करे, बच्चों के अंदर समानता की भावना रखे। उपयोगिता का सिद्धांत उसमें उपयोग होना चाहिए, सुरक्षा सिद्धांत, रचनात्मक, लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का वर्णन हो, बच्चों को बताया जाए, तो ये सारी चीजें, जीवन की तैयारी के सिद्धांत, सार्थकता का सिद्धांत। देखिए एक ऐसी चीज है ना पाठ्यक्रम, आप अपनी भाषा में ही लिखिए, क्योंकि आपकी भाषा ही सबसे बेस्ट भाषा है। मैं जो बता रहा हूं वो अपनी भाषा में बता रहा हूं, लेकिन आप जो लिखेंगे वो अपनी भाषा में लिखेंगे। देखिए जब किताब से मिलाएंगे तो किताब ने अपने अलग भाषा में लिखा है, कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मेरी भाषा है, साधारण है, आप अपनी भाषा में लिखिए और बेहतर लिखिए। ठीक है, तो चीजों को समझ जाइए कि ये होते हैं इनके निर्माण के सिद्धांत। अगर चीजों को समझ गए तो खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गया। क्या है इसमें, अब पाठ्यक्रम का महत्व क्या है बताइए, आप इसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है भाई, पाठ्यक्रम जब रहेगा तो क्या होगा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक रूप मिलेगा, शिक्षण सामग्री, जो आप शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी, शिक्षण विधियों के निर्माण में सहायता के रूप में मिलेगा आपको, और विशेष सामग्री विभाजन में सहायता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायता, दर्शन और शिक्षा में सहायता, तत्कालीन घटनाओं का में सहायता, ये सारी चीजें इसकी महत्व है। बिल्कुल आप अपनी भाषा में लिखिए, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, मैं तो कहता हूं इसको देखिए ही मत। हाँ, मैं बस पॉइंट इसलिए ऐड कर देता हूं क्योंकि एग्जाम से पहले थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो बात एग्जाम में याद आएंगी। बाकी इसका महत्व क्या है भाई, महत्व वही है भाई, उद्देश्य की प्राप्ति,
शिक्षण विधियों का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का निर्धारण, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण, अनुसंधान है, वो इसका बस खत्म यार, ये कोई चीजें नहीं है, नई बात। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता, वही चीजें आवश्यकता, महत्व की बात, नवीन प्रतियों का सहचर्य नियम, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण के लिए, और ये सीखने की सुचारू व्यवस्था, शैक्षिक गुण स्रोत का उपयोग, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है, आप अपने मन से लिखिए इसकी आवश्यकता ये चीजें। हाँ ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए गणित पाठ्यक्रम के दोष, या गणित पाठ्यक्रम को सुधार की विधि, या विज्ञान सॉरी भौतिकी विज्ञान के पाठ्यक्रम के दोष, या भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सुधार की विधि, आप अपने तरीके से पॉइंट आता है, कभी कभी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है, आप वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष क्या है भाई, वर्तमान पाठ्यक्रम में यह है कि ये देखिए ये बहुत संकुचित है, संकुचित का मतलब क्या हुआ है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, मतलब पिछले जो भी बच्चे आए, हमने भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, आने वाले बच्चे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें ना मतलब संकुचित है, और पुस्तकीय स्वभाव है, मतलब बुक से ही रिलेटेड है, आप किताब पे ही डिपेंडेंट है, बहुत पुस्तकीय, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल की चीजें नहीं होती है। सैद्धांतिक अव्यवहारिकता, अव्यवहारिकता मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपके जीवन में क्या उपयोग है आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, वही सैद्धांतिक अव्यवहारिता है भाई, उसके सिद्धांतों का जीवन में क्या व्यवहार का क्या उपयोग है हमें नहीं पता। तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों की कमी, इसका क्या मतलब है, हम विषय पढ़ते हैं लेकिन तकनीकी विषय नहीं पढ़ते हैं, जैसे का क्या मतलब, सिलाई कढ़ाई बुनाई वेल्डिंग पेंटिंग, ये तकनीक है, ये स्किल्स हैं, ये व्यावसायिक में भी काम होते हैं, तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें सम्मिलित नहीं होती, तो ये वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष। अनुपयोगिता, कोई ऐसी चीजें भी हैं जिनका उपयोग नहीं हो फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीवन के साथ संबंध नहीं, कोई सारी चीजें, अध्यापकों के लिए असहयोग की बात है, और सहसंबंध का अभाव, तो ये हो गई भाई वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष। दोस्तों पाठ्यक्रम को हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अपलोड करने में थोड़ी सी मसला होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, देखिए इसी में से सवाल आएगा, बस चीजों को समझ जाइए, पाठ्यक्रम क्या है, आप बस यहां समझ गए ना, आप बस यहां समझ गए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको पाठ्यक्रम का अर्थ समझ में आया होगा, उम्मीद है दोस्तों आपको पाठ्यक्रम की परिभाषा समझ आई होगी, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको निर्माण के सिद्धांत आपको समझ आए होंगे, और अब तो ये तो मैं डैम श्योर हूँ, बस अगर एग्जाम में आ गया ना तो जो भी बच्चा ये वीडियो को देखेगा ना वो लिख के आएगा, बेहतरीन लिख के आएगा, विद्यार्थी केंद्रित, क्रिया केंद्रित, और विविधता केंद्रित, लचीलेपन का सिद्धांत, और उनकी महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता, और वर्तमान पाठ्यक्रम के दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, चीजें समझ में आई होंगी, अगर एक बार आपको ये लगा हो ना कि इस भाई ने इस बच्चे ने अच्छा एक्सप्लेन किया है, जो किताबी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, पढ़ के दिमाग में नहीं जा रहा था, वीडियो देख के बातों को सुन के दिमाग में समझ में आ गया, अगर ऐसा लग रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए, मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए ये वो, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, जिसको जरूरत होगी वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा, क्यों, तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, जय हिंद जय भारत, लिख के आइए, पढ़िए और खत्म करिए इन चीजों को, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।